मैं क्या सोच रही थी समीर, कि कल को जहां पे भी तुम्हारी शादी होगी, अगर दूल्हा भाई को ये पता चल गया कि तुमने किसी लड़के के लिए अपना हाथ, बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना। बस अपनी औलाद की बेहतरी के लिए जो मुझे मुनासिब लगा वो मैंने किया। अपनी औलाद की बेहतरी? आपा, आप अकेले अकेले सब कुछ करती रही और मैं? ये इश्क तुम न करना, ये राग ही लगाए, दफन खुद करे है फिर सौग भी मनाए। ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। क्या हुआ हाला, कोई भूत देख लिया है? नहीं नहीं, तुम जल्दी जाग गए। कौन है बाहर? कोई भी नहीं। हेलो अभी हाला ने भी मुझसे यही पूछा है। पहला दिन है यार, पहले सबसे हमें पहुंचना है।
यार लेबर का तो अली देख रहा है यार, तो मसला हल हो जाएगा, लेकिन जनरेटर का कुछ करना पड़ेगा। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। अगर जनरेटर बंद हो गया ना तो यार सब बंद हो जाएगा। हाँ मैं पहुँचता हूँ। परेशान हो? परेशान हो? नहीं, कपड़े इस्त्री कर दो प्लीज, मुझे जाना है जल्दी। सीरियसली? ओके आ रहा हूं। Yes. क्या हुआ? जनरेटर का इंतजाम हो गया। तो ये घर वाला ले जाते? क्या? जनरेटर? हाला मुझे 160 केवी का जनरेटर चाहिए अपनी फैक्ट्री के लिए, एज बिग एज दिस रूम ऑलमोस्ट, जिससे मेरी पूरी फैक्ट्री चल सके। घर का जनरेटर तो सिर्फ पंखे चलाता है। चीज हो तुम? मुझे नहीं पता था, अब पता चल गया। तुम्हें पता दादी ठीक कहती है, निकाह खुशकिस्मती लाता है। मेरे सारे दोस्त भी यही मानते हैं कि तुम मेरे लिए बहुत लकी है। खुशकिस्मती के दरवाजे तो मेहनत की चाबी से खुलते हैं। किस्मत माँ की दुआ से भी चमकती है बेटा। जो कुछ हूं आपकी दुआओं की वजह से। नाश्ता मैं ऑफिस में कर लूंगा, तुम कर लेना प्लीज सबके साथ। ये सब कुछ आया तो तुम्हारे लिए ही है, लेकिन अगर तुमने इनको हाथ लगाया ना तो ये छुरी में गरम करके ना तुम्हारे मुंह पे लगा दूंगी, समझी हो?
बिल चाहे कितना भी महफूज क्यों ना हो, जब सिलसिला आए ना तो बाहर निकलना पड़ता है। तुम जानते हो तुम यहां क्यों खड़ी हो? क्या सोचा था तुमने, हमजा सारी उम्र तुम्हारे पल्लू से बंधकर बैठा रहेगा, कभी घर से बाहर नहीं निकलेगा? नहीं। झूठ बोलने में और किस्से घड़ने में तो तुम माहिर हो ही, पर मुझे ये मालूम नहीं था कि मर्दों को काबू रखने के गुर भी तुम खूब जानती हो। जी। हमजा के ना हंसने की आवाज कमरे से बाहर तक आ रही थी। इसी तरह के चुटकुले छोड़ती होगी ना तुम खुर्रम के सामने भी। खुर्रम याद है ना, वही खुर्रम जिसे रो रो के कहती थी कि वो आए और आकर तुम्हें यहां से ले जाए। हमजा ने ना मेरी बात का यकीन नहीं किया, सबूत मांगा मुझसे, और तुम जानती हो कि सबूत इकट्ठा करने में जरा टाइम लगता है। मैं तो कोशिश कर रही हूं गवाही पेश कर दूं। क्या कहा था तुमने मुझे, हमजा आएगा तुम्हें उठाएगा तो तुम उठोगी, अगर हमजा के हाथों ही तुम्हें ना उठवाया ना तो मेरा नाम बदल देना। हाय हला, तू इधर क्या कर रही है, क्या करने आई थी इधर? नाश्ता बनाने। जब तक खीर पकाए की रस्म नहीं हो जाती ना तो चूल्हे के करीब भी नहीं जाना। हाँ चलो, शादी हो गई अचानक, लेकिन क्या मैं अपनी खुशी भी पूरी ना करूं? अरे अब तो दावत होगी शानदार, और मैं ना आती तो इसने तो लग जाना था काम पर, तूने रोका क्यों नहीं? अब आ गई है ना रोकने, रोक ले थोड़े से, चल चला हम चले आ जा। अरे छोड़ ना इसको, हमजा ने जो नई मासी रखी है ना वो आ गई है, उससे फरमाइश करके नाश्ता बनवाएंगे, आ जा आ जा। और तू भी ना उस पर ऐसे ही रोब जमाना जैसे बाकी की बहुएं जमाती हैं। नहीं जाना मुझे कोचिंग, कुछ नहीं करना मुझे। अरे बेटा, यूनिवर्सिटी से फोन आया था और वो कोचिंग से भी आया था। कोचिंग? अब वो मुझे कोचिंग नहीं जाना, मुझे मत भेजे कोचिंग प्लीज। क्यों नहीं जाना? सब अपने किनारे लगे हैं, और वो रूमी अपने भाई के डर से बस्ता पकड़ के 3 बजे से वैन के इंतजार में बैठी रहती है, और तुम? आप ये क्यों नहीं समझती कि मुझे रूमी के साथ ही तो नहीं जाना है? जब तक मैं अकेली जाती थी ना, किसी की जरूरत नहीं थी कि मुझे एक आंख उठा के भी देखे। मैं ना मुझे उनके साथ जाके। कुछ नहीं हुआ बेटा, कोई ऐसी बात नहीं है, हमें पता है, हम जानते हैं हमारी बेटी ऐसी वैसी लड़की नहीं है। साथ ऐसा क्यों हुआ है? बेटा कुछ नहीं हुआ, तुम आम लड़की नहीं हो समीन, तो आम लड़कियों की तरह क्यों बिहेव कर रही हो? हाँ ये देखो, ये है समीन, ये है समीन जलीस अहमद, ये मैं? हाँ तुम। किन? मैं कैसे जा सकती हूँ? कैसे मतलब? जैसे सब जाते हैं आला, अपने पैरों पर, और कैसे? नहीं मैं नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ? इसलिए क्योंकि डिनर मैंने दिया है। लेकिन मैंने तो किसी को दावत नहीं दी।
तुम और मैं अलग नहीं है आला। तुम कोई कमिटमेंट करोगी तो वो मैं पूरी करूंगा। हमें एक दूसरे की बात अब रखनी है। वो क्या कहेंगे, मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ। वाकई मुझे नहीं समझ आ रही तुम्हें मेरे साथ जाने में प्रॉब्लम क्या है यार। अन्नी लोग क्या कहेंगे, वाकई डिनर मैंने किया और मेरी बीवी नहीं। I purposely invited सबकी बीवियां वहां हों कि तुम्हें मैं इंट्रोड्यूस कर सकूं यार। इतनी इंसल्ट होगी यार मेरी। नहीं नहीं इंसल्ट नहीं होगी, इंसल्ट क्यों, मैं चलूंगी ना। तो फिर पहले इनकार क्यों किया? क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि तुम मुझे साथ जाने का कह रहे हो। मुझे कोई आंसू किस चीज के है? खुशी के। इतनी छोटी सी बात पर इतने आंसू। हेलो जी, कंफर्म कंफर्म। तस्वीर मन में बसी यार की, तस्वीर पढ़ी तेरे प्यार की। दिल ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जामे मोहब्बत जहर आशिकी है। पूछो ना पूछो ना, हम सताए हुए हैं। खाला आप देखें कितनी प्यारी, कितनी फ्रेश लग रही है। वो तो तुम्हें देखते ही मेरी तबीयत ठीक हो गई थी। खाला अगर आपको कोई मैले कपड़े धुलवाने के लिए भेजने हैं तो आप मेरे साथ भेज दीजिए, और मैं आपके लिए एक धुला बनाया टॉवल फ्रेश लेके आई हूँ, और टिश्यू का डब्बा आपने अपने साथ रखना है, ठीक है? क्या ख्याल करती रहती हो मेरा, थक जाओगी तुम इस तरह कर करके। अरे खुरम अच्छा हुआ तुम आ गए, फिर फल उठा के ले आए, इतने सारे फल पड़े तो वे। अच्छा देखो शफक मुझे तैयार करके खुद कितना खुश हो रही है। देख रहा हूँ। खाला अम्मी आएंगी शाम में, अबू भी साथ आएंगे, अगर आपको कुछ स्पेशल खाना हो तो बता दीजिएगा, मैं भिजवा दूँ। अरे नहीं नहीं खाने के लिए कुछ नहीं भेजना, पहले ही फ्रिज भर के छोड़ा हुआ है तुमने, वही चीज़ें अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। खाला मैं चलती हूँ। अच्छा बेटा अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अब चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, ये मुझे दे दो। नहीं मैं चली जाऊँगी, गाड़ी बुलवा ली मैंने। अम्मी को सलाम दे। देखा किस बात की इतनी अकड़ है, सीधे मुंह बात तक नहीं की इसने मुझसे। सीधे मुंह बात करने के लिए तुमने छोड़ा क्या है, ये तो फिर भी उसकी आला जर्फी है कि मेरी खिदमत करने के लिए ये आ जाती है। किस बात की आला जरफी है, किसका ख्याल कर रही है वो, किसी खैर का नहीं अपनी खाला का ही कर रही है। और इंप्रेस हो जाती है। और तुमने क्या किया उसके साथ और उसकी सहेली के साथ जो? अम्मी फिर वही बात, सारा किया धरा उसकी सहेली का है, उसने गलत किया मेरे साथ और उसके साथ। अभी भी मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने क्या किया,
सब कुछ गलत तुम्ही ने किया है ना। वो तो एक मासूम मजलूम लड़की थी जो मोहब्बत को तरसी हुई थी। वो तुम्हारी मदद लेने के लिए आई, तुमसे मोहब्बत मांगी, लेकिन तुमने बहुत बुरा किया उसके साथ। कैसी माँ है आप? अपने बेटे को छोड़कर बाकी सबको डिफेंड कर रही हैं। अरे माँ अपनी कातिल बेटे की भी साइड लेती है और आप मुझे, मैंने किया क्या है? वाकिफ हूँ मैं तुम्हारी सारी हरकतों से, और उन माओं को भी जानती हूँ जो अपने बच्चों को डिफेंड करती है। लेकिन शायद मैं उन माओं में से नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो मेरी कोई बात करने का फायदा ही नहीं है। हमेशा सोचती थी वो कैसी सासें होंगी जो बहुओं को जिंदा जला देती हैं। बड़े जिगरे का काम है भाई, लेकिन अब सोचती हूँ मेरी जैसी मजबूर होती होंगी, है ना? सर सब कुछ सर सब कुछ है। अबे कोई जल्दी नहीं, मैं बता देती हूँ, मैं बता देती हूँ। भाई आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वो एक डिनर है यार, फ्रेंड्स का खाना है। मुझे बताया भी नहीं, मुझे भी ले जाएं। फूमी कपल्स का डिनर है, पहले बताती मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देता। वो नहीं रूमी, तुम साथ चलो, क्या फर्क पड़ता है। तुम भी चलो रूमी, ज्यादा बेगम साहिबा बनने की जरूरत नहीं है। अरे हेलो, ये क्या तरीका? मेरी गलती है, मैंने इन्फॉर्म नहीं किया। अगर चलना है तो तैयार हो जाओ, वेट कर लेते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? बेगम साहिबा जी, आप नहीं, छोटी बेगम साहिबा। छोटी बेगम साहिबा। जाओ यहाँ से, अपने कमरे में जाओ, जाओ। और तुम क्यों खड़ी हो यहाँ, क्या काम है तुम्हें? जी वो बड़ी बेगम साहिबा ने कहा है कि यखनी वाला दलिया बनाना है, तो उन्होंने कहा कि दुल्हन बेगम से पूछ लो कितनी यखनी कितना दलिया। पहले तुम बता के आ जाओ, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, जल्दी आना, वेट कर रहे हैं। बाकी तो पता है ना तुम्हें? जी जी सही है। क्या नाम है तुम्हारा? तुम निकलो, निकलो जी। वाह, सूट तो तुमने बहुत खूबसूरत पहन रखा है। हमेशा सोचती थी वो कैसी सासें होंगी जो बहुओं को जिंदा जला देती हैं। बड़े जिगरे का काम है भाई, लेकिन अब सोचती हूँ मेरी जैसी मजबूर होती होंगी, है ना? इसे मैं अगर आग पे रख दूँ तो? नहीं, रेशमी सूट है, फौरन आग पकड़ लेगा। पुलिस को फौरन पता चल जाता है कि सास ने जलाया बहू को, फिर वो उनको पकड़ के ले जाती। मुझे धमका रही हो? अपने बेटे की जिंदगी से तुम्हें निकालने के लिए मैं आखिरी हद तक जाऊंगी। ये तो अभी पहला आइडिया है। हमजा, भाभी इतना ही चुप रहती है या तुम धमका के लाए उन्हें? धमका के नहीं, समझा के लाया हूँ, फिर तुमसे बच के रहे। वैसे हम लोग इतने सालों से साथ हैं, कभी से अपने दिल की बात बताई नहीं। बहुत पक्का है ये। दिल की बात बताई है, लेकिन तुम्हें नहीं, उसको जिसको बतानी चाहिए थी। बताइए बताइए।
यकीन करें मुझे भूख नहीं है। थोड़ा चख लो। यार जब तुम्हें पता था तुम्हें डिनर प्लान है तो भूख रोक लेती ना। नहीं वो दादी को खाना देती हूँ ना तो मम्मी के साथ खा लिया। सूप पिया तो है मैंने। वैसे भी रूटीन फॉलो करती है, तुम जैसे लोगों की तरह नहीं है। खाना खा कर आई थी। तुम्हें पता है ना हाला, तुम बिल्कुल अच्छे झूठ नहीं बोलती हो। अच्छा, मुझे तो सारे कहते हैं कि मैं माहिर हूँ झूठ बोलने। अच्छा, शायद, लेकिन इस वक्त तुम बिल्कुल अच्छा झूठ नहीं बोलती। बताओ खाना क्यों नहीं खाया? वो मुझे वो खाना पसंद नहीं था। और बोलो। मुझे चॉपस्टिक से खाना नहीं खाना आता। इसलिए तुम झूठ बोलती रही कि तुम्हें भूख नहीं। झूठ तो ना हुआ, अगर खाना पसंद ही ना हो तो भूख खुद ही उड़ जाती है। अभी भूख लगी? नहीं, पानी पी पी कर पेट भर गया। तो बता, कुछ खाना है? नहीं कुछ भी नहीं। देख के चल। हेलो। हाँ अबे छोड़ ना यार, तूने पहले भी अच्छी नौकरी के ख्वाब दिखाए थे, निकला क्या? कुछ भी नहीं। कहाँ? अभी किधर? अबे वो इतना बड़ा होटल है भाई, मेरी तो हालत भी ऐसी नहीं है, मैं वहां आकर क्या करूंगा। अच्छा अच्छा, अगर बिल तू देगा तो फिर मैं आ जाता हूं। हाँ अच्छा ठीक है। अपनी मर्जी का खाना ऑर्डर कर। मुझे नहीं खाना। अलग ऑर्डर करो, वेट कर रहे हैं तुम्हारा। वेट कर। अब नहीं पूछो। आप ऐसा कीजिए कि मेन्यू में जितना कुछ है वो सब ले आइए प्लीज। सर सब कुछ? बोल यही कहा मैंने। सर सब कुछ लाने में बहुत टाइम लग जाएगा। अबे कोई जल्दी नहीं। नहीं मैं बता देती हूँ, मैं बता देती हूँ। पानी ऑर्डर मत करना। मैं पुलाव कहने लगी थी। भाई पुलाव ला दे। ओके मैम। एक रायता भी प्लीज। ओके सर। मुझे अंदाजा हो गया था कि ये वो क्या कहती है दादी, घी सीधी उंगली से नहीं निकले। तो यार क्या हो गया खुर्राम, हमें भी टाइम दे दो। मैम पुलाव। क्या हुआ? अच्छा नहीं? अच्छा नहीं? मैं भी कंप्लेंट। नहीं नहीं प्रॉब्लम इसमें नहीं है, मेरा अपना प्रॉब्लम। क्यों क्या हुआ? नहीं बस मुझे जाना। हाला सुनो, बैठो तो सही। हाला मैं आ रहा हूँ।
यार ये प्लीज। हेलो जी, खुर्रम बात कर रहा हूँ। कौन जी? मेरी ही वालदा है। क्या क्या हुआ अम्मी को? मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ यार? वो हाँ, मुझे जाना पड़ रहा है। मैं कॉल करके बताता हूँ। अच्छा सुनो, रोने की वजह बताओ। कोई वजह नहीं। हाला, रो रही हो तो कोई वजह होगी, और कोई वजह है तो वो बताओ। नहीं बता सकती। क्या मतलब नहीं बताती? क्यों नहीं बताती? हाला, ये इन नॉनसेंस बातों पे ना मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है। वजह बताओ, क्यों रो रही हो? ये नॉनसेंस नहीं है, बेबसी है। वही पूछ रहा हूँ, क्या बेबसी है? क्यों तुम मेरे और अपने दरमियान से ये क्यों निकाल नहीं सकते? वरना यकीन करो, मेरी सारी जिंदगी तुम्हारे जवाब देते गुजर जाएगी। तुम्हें एक्चुअली लगता है कि मैं अपनी सारी जिंदगी इस फजूल बात पे जाया करूंगा? जिंदगी बहुत खूबसूरत है आला, और मुझे इन बातों पे जाया नहीं करनी। लेकिन अगर तुम रो रही हो तो कोई वजह होगी, मुझे वो वजह जाननी है। जिंदगी तो खूबसूरत तब होगी ना जब तुम मुझसे ऐसे तकलीफ दे सवाल पूछना छोड़ दो। मैंने सिर्फ तुमसे ये पूछा कि तुमने खाना क्यों छोड़ा, क्यों नहीं खाया? आईजान हमेशा से जानती थी कि मुझे लाओ पसंद है, तो उन्होंने बनाना ही छोड़ दिया। और अगर कभी बना भी तो मुझे कभी नहीं मिला। देख जी, पहुंचने वाली के सामने अगर पूरी प्लेट रख दोगे तो उसने खाना नहीं छोड़ा, उसके हलक से खाना उतरा नहीं। अच्छा मेरी बात, रोना बंद करो। पुलाव खाओगे? थोड़ा हंसी तो। ये क्या हो गया? खराब हो गया मेरी प्यारी बहन। मेरी एक ही दो बहन थी, खराब घास से ना अपनी बहन को ना कुछ बोला ना कुछ सुना, चुपचाप चली गई। बस पानी पी लो। हिम्मत करो बेटा, बस उनकी इतनी दिखी थी, खुशी की बात यह है कि तुमने उनकी खिदमत कर ली और तुम्हारे तरफ से खुश गई है। इन आखिरी सांसों के सहारे के लिए तो औलाद मांगी जाती है। स्टार्ट नहीं हो रही। अम्मी आप ये बैग पकड़ें, बैग पकड़ें। स्टार्ट करो। तूने तो मेरा दिल जला के रख दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुझे क्या कहूं। अरे अम्मी, क्या दिल जलाने वलाने की बातें कर रही हैं आप? एक तो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। आप जाकर बैठे वहां पर, बैठे मैं बाइक स्टार्ट कर लूं। हॉस्पिटल गई थी, खाला बेहतर लग रही थी, नर्स ने कहा था वो डिस्चार्ज हो जाएगी, पर मैं रात में ऐसा क्या हो गया? ये तो करती थी चिताव अपनी बैग। खाला चलो बेटा,
बस एक आखिरी फर्ज बाकी है। यूनिवर्सिटी जा रही हो समीन? अभी तो तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हुआ। सब कुछ तो बिगड़ गया है, हाथों में क्या है, जाहिरी जख्म है, वो भी भर जाएंगे। नहीं, मेरा मतलब है अभी तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। मैं ठीक हूँ। ऐसे कैसे ठीक हो, सब काम तो हाथों से होते हैं। यूनिवर्सिटी कैसे जाओगी, वहाँ क्या करोगी? सोफिया तुम तो समझो बात को। जल्दी से लेके जाएगा और वो ही ले आएंगे। नहीं अम्मी, कोई जरूरत नहीं आपको अब्बू को तकलीफ देने की, मैं खुद ही चली जाऊंगी। सोफिया ठीक कह रही है समीन। मैं झूठ नहीं बोल रही थी। ताईजान कभी भी मेरी पसंदीदा चीज मेरे पास नहीं रहने देते। और कुछ? हाला, अम्मी क्या करती थी, क्या करती है मुझे मत बता। मैं खुद तुम ही बता रही, तुमने पूछा तो मैं पूछूंगी, तो मत बताया करो। मेरी माँ है, वो बहुत प्यार करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ उनकी। आई नो बहुत जगह पे गलत होती है, लेकिन मैं उन्हें क्वेश्चन नहीं कर सकता यार, माँ है मेरी। वो बहुत बड़ा रुतबा है उनका मेरी नजरों में। आई होप तुम मेरी मजबूरी समझोगे। जुड़ी है जामे मोहब्बत जहया।